हरिद्वार में आज गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के निकट एक शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें हरिद्वार में आए हुए शिव भक्तों के लिए भोजन प्रसाद आदि की व्यवस्था की गई। आपको बता दें कि हर बार की तरह इस बार भी हरिद्वार में शिव भक्तों का जन समूह एक सैलाब की तरह उमड़ पड़ा है, जिसमें कि करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु माँ गंगा का पवित्र जल अपने पात्र में लेकर अपने अपने गंतव्यों तक प्रस्थान कर रहे हैं। ऐसे में कोई शिव भक्त कई किलोमीटर पदयात्रा कर रहा है, अपने स्थान पर पहुंचकर भगवान आशुतोष का जलाभिषेक करते हैं। हरिद्वार स्थित ग्राम जमालपुर कला के कुछ व्यक्तियों द्वारा पिछले कई वर्षों से भगवान भोलेनाथ के भक्तों की सेवा बड़े उत्साह के साथ की जा रही। सावन का जो आज पवन महीना चल रहा है, इसमें सब पावड़ी है, हरिद्वार से ही जल उठाते हैं और लेकर अपने अपने तीर्थों के लिए निकल जाते हैं। ये हरिद्वार का सौभाग्य, इसमें जो सेवा का भाव हमारी तरफ से है, इन कावड़ियों की सेवा करने के लिए हमें छोटा सा अपनी तरफ से जो भी हमारे इससे बनता हो, हमें भंडारे का आयोजन करते हैं। इसमें हमारी श्रद्धा ये रहती है कि किसी को भी कोई दिक्कत ना हो, सबको पेट भर भोजन मिले और अपनी तरफ से इन कावड़ियों के लिए हम पानी की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था और यहाँ पर कुछ भी बैठने की व्यवस्था करते हैं। प्रशासन ने भी हमारे यहाँ पर उत्तराखंड में हरिद्वार जिले की खासतौर से जो हमारे यहाँ के DM और SSP हैं, उन्होंने इस मेले के लिए बहुत ही एक सुचारू बहुत बढ़िया व्यवस्था कर रखी है और मैं उनका इस बात से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस मेले को इतने बढ़िया तरीके से चला रखा है और अपनी व्यवस्था संभाल रखी है। मैं उनका सभी जितने भी हमारे यहाँ उत्तराखंड के पुलिस अधिकारी जो सेवा के भाव में लगे हुए हैं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं ये कहूँगा भोलेनाथ का विश्वास सब कावड़ियों के शिव भक्तों पर रहे और हमारा जो उत्तराखंड है इसकी परंपरा और ये जो सौभाग्य जो देवभूमि के नाम से हम जाना जाते हैं हमारा उत्तराखंड, हम इसकी देवभूमि के नाम इसकी हमारी परंपरा बनी रहे। जय उत्तराखंड, जय भारत। की सबसे बड़ी मैराथन कांवड़ मेला 2023 आज अपने पूरे चरम पर पहुंच चुका है। ऐसे में जगह जगह कोई कोई संस्थाएं जहां भंडारे का आयोजन भी कर रही है, वहीं पर ग्राम जमालपुर कला के कुछ व्यक्ति ऐसे भी है जो निस्वार्थ भाव से लगातार पिछले कई वर्षों से भोलों की सेवाएं करते आ रहे हैं। आइए जानते हैं कि किस प्रकार की सेवा करते हैं और कैसा उनको आनंद प्राप्त होता है। सेवा करने में आपको कई वर्षों में, लेकिन आपका एक विशेष जो है धर्म और श्रद्धा भाव है। भोले बाबा का महीना है, सावन का महीना है और उसके निमित्त श्रद्धा भाव से ऊपर वाले की कृपा से, परमात्मा से, उनके आशीर्वाद से और उन्हीं के प्रेरणा से एक आयोजन करते हैं भंडारे का। पहले एक दिवसीय होता था, अब ये 4 दिवसीय है और ये दिन रात चलता है। ऊपर वाले के आशीर्वाद से दिन रात निरंतर चलेगा और जो श्रद्धालु आएंगे उनकी सेवा करेंगे। लगभग कितना लास्ट ईयर लगभग 1-1.25 लाख के आसपास का रहा था हमारा, 1 लाख से ऊपर जो है हमारी, 1.5 करोड़ तो नहीं, लेकिन हाँ लगभग 1.25 लाख या 1.5 लाख।